वेदर चेंज हो रहा है और गर्मी जो है वो बढ़ रही है दिन के समय, और इस चेंजिंग वेदर में वायरल फीवर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। इस मौसम में 60-70% पेशेंट्स में वायरल फीवर हो जाता है और बाकी के 30-40% पेशेंट्स में किडनी और कानों से फीवर होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि वायरल फीवर के क्या सिम्टम्स होते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वायरल फीवर और कोरोना वायरस में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद करवा दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वायरल फीवर बहुत ही कॉमन फीवर है, ये ज़्यादातर अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें जो सबसे कॉमन सिम्टम रहता है वो होता है फीवर एंड पेन। ये जो फीवर होता है ये एक गुड इंडिकेशन है, ये आपकी बॉडी को ये बताता है कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है और हम अलर्ट हो जाएं। आजकल मार्च अप्रैल के सीज़न में या फिर जब रेनी सीज़न होता है या स्टार्टिंग ऑफ विंटर सीज़न, इसमें वायरल फीवर बहुत तेज़ी से फैलता है। ये यूजली 4-5 दिन तक रहता है। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं सोर थ्रोट, नेजल ब्लॉक, पोस्ट नेजल ड्रिप, कफ, कोल्ड, फीवर, हेडेक, लो बीपी या फिर जनरल वीकनेस हो सकती है। कई केसेस में जो एपिटाइट है वो पुअर हो जाती है, भूख नहीं लगती, इनसोम्निया, ये भी बहुत कॉमन होता है कई केसेस में। अगर ये फीवर 4-5 दिन से ज़्यादा रहता है तो ये टाइफाइड फीवर भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो सकती है या फिर कोविड भी हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की। अगर तो आपका बुखार 99 डिग्री फारेनहाइट तक ही है तो आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, या अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमें बॉडी की हाइड्रेशन पर ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। आप ध्यान रखिए कि आप गुनगुना पानी पीजिए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप खाना खाते रहिए, रेस्ट कीजिए और लिक्विड्स लेते रहिए। लेकिन अगर आपका फीवर 99 डिग्री फारेनहाइट से ज़्यादा है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, कम से कम 4-6 घंटे के गैप पर आप ले सकते हैं। इसमें आपको फीवर को कंट्रोल करना है। वायरल फीवर में सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान रखना है कि आपको इन्फेक्शन ना हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, खाने को अच्छे से पका कर खाइए और हाइजीन और सैनिटेशन पर अच्छे से ध्यान रखिए। आप एक काम करें, एक टेम्परेचर चार्ट बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स लें और जब भी टेम्परेचर आए पैरासीटामोल लीजिए और सिम्टम पर नज़र रखिए ताकि सही समय पर आप डॉक्टर की सलाह ले सकें। अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो आप बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन पकड़ सकते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में अगर TLC हाई आता है तो आपको एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। एस्प्रिन डिस्प्रिन की बजाय हमेशा पैरासीटामोल ही प्रेफर कीजिए। अब बात करते हैं कि वायरल फीवर और कोरोना वायरस फीवर में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो जो वायरल फीवर है वो 7 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन कोरोना वायरस का फीवर जो है वो 14 दिन ले लेता है। कोरोना वायरस में पेशेंट्स में जो सांस जो है वो फूलने लग जाती है, लेकिन वायरल फीवर में सांस जो है वो कम फूलती है। कोरोना वायरस में कई पेशेंट्स में स्वाद और सुगंध नहीं आता, लेकिन वायरल फीवर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। ब्लड टेस्ट में वायरल फीवर में जो लिम्फोसाइट्स हैं वो बड़े होंगे और ESR और CRP जो है वो नॉर्मल रेंज में होगा, लेकिन कोरोना वायरस जो है उसमें जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं वो कम होंगे और ESR और CRP जो है वो बड़ा होगा। जो कोरोना वायरस है उसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है और ऑक्सीजन की कमी से जो है वो निमोनिया हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।